सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, Instagram में फोटो वायरल कैसे होती है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड गाइस, मैं आप सभी को पूरे 4 स्टेप बताऊंगा वीडियो में आगे। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को कोई भी पार्ट मिस कर मत करना गाइस। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो गाइस आप सभी को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई भी फेक ट्रिक के बारे में नहीं बताने वाला आप सभी को। गाइज, मैं पिछले 3 साल से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, एंड गाइज मैं 3 साल में जो भी चीज़ें मेरे को पता लगी है आज तक इंस्टाग्राम के बारे में, मैं आप सभी के साथ वही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। गाइज, मैं फोटो एडिटिंग की वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि गाइज आप सभी फोटो अच्छे अच्छे एडिट कर पाएँ। एंड गाइज, अगर आप फोटो एडिटिंग अच्छी करोगे, एंड गाइज इसमें लाइक नहीं आएंगे तो यार कोई फायदा नहीं है हमारी फोटो एडिटिंग का। तो इसलिए गाइज, मैं आप सभी के लिए इंस्टाग्राम से रिलेटिव वीडियो ले आता रहता हूँ इसके ऊपर। तो गाइज, वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो गाइज, हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आज जो हमारे जो 4 स्टेप है गाइज, वो मैं आपको पूरे एंड में बता, मतलब एंड में नहीं गाइज, मतलब एक एक करके बताऊंगा। तो गाइज, वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइज, पहले हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइज चलिए। सो गाइज, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है गाइज, उसमें मैं गाइज आपसे वो करना क्या, देखो गाइज, अगर जैसे गाइज आपने कोई फोटो एडिटिंग करी, ठीक है, जैसे मतलब आपने कुछ भी किया, ठीक है, तो आपको पहले गाइज फोटो एडिटिंग करी, तो गाइज उसमें ना, अगर आप जैसे इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करते हो, तो गाइज आप सभी को फोटो अपलोड करने से पहले ना गाइज आपको एक ऑप्शन मिलता है टैग, ठीक है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को टैग मारते हो फोटो, ठीक है। सो आपको ना उसमें गाइज मैक्सिमम गाइज आप अपना 20 लोगों को फोटो को टैग मार सकते हो, अपनी फोटो में 20 लोगों को टैग कर सकते हो, ठीक है। सो वो टैग का क्या होता है गाइज, काफी लोग ना उस टैग का यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि गाइज सोचते कि यार क्या टैग करके क्या, यार क्या होगा, कि फिर लोग सोचेंगे यार टैग करके लाइक्स ला रहा फोटोज पे। तो गाइज आप सभी को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है गाइज, अगर आप वीडियो फोटोज को टैग मारोगे ना गाइज, अगर आपकी फोटोज जितना अच्छा, मतलब रीच जितनी अच्छी आएगी ना गाइज, उतनी आपकी फोटो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी फोटोज को उतनी, और मतलब इसका जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, वो सोचता है कि यार फोटोज पे यार अच्छे वो आ रहे हैं, अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, तो गाइज इस फोटो को मेरे को आगे भेजना चाहिए। तो गाइज वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम यही देखता है कि यार फोटो वीडियो जो भी है, इसकी फोटो में ऐसी क्या बात है जो लोग इतना देख रहे हैं, तो गाइज उसको इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम और वायरल करने की सोचता है। तो गाइज जैसे कि आप सोचते होंगे कि गाइज जैसे कभी कभार ट्रेंडिंग में आपको किसी की फोटो दिखती होगी, वो गाइज क्यों दिखती है, क्योंकि गाइज उसमें जो उसका जो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, वो फोटोज को देखता है कि गाइज इसमें क्या क्या ऐसा है जो इसमें इतनी लाइक्स आ रहे हैं, लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। तो गाइज वही चीज़ है कि आपको टैग्स जो है हर किसी, मतलब 20 टैग्स हैं आजकल मैक्सिमम हर किसी के, गाइज 400-500 फॉलोवर्स होते ही हैं, तो गाइज 20 जने को टैग करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो गाइज आप आराम से कर लोगे। तो गाइज आपको ये जो फायदा मिल रहा है 20 टैग्स का, गाइज आपको इसको यूज़ करना है, काफ़ी लोग इसको यूज़ नहीं करते गाइज। इंस्टाग्राम में आपको बहुत फायदा है, आपको स्टार्टिंग से फोटो अपलोड करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं गाइज आपको अपनी फोटो को पॉपुलर करने का। तो गाइज आप सभी को वो 20 टैग्स का यूज़ पूरा करना है, ठीक है गाइज। एंड सेकंड चीज़ ये गाइज, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो गाइज सेकंड स्टेप ये हमारा कि गाइज अगर आपको जो फोटो अपलोड करने के बाद जो गाइज आपको कैप्शन एंड हैशटैग्स मिलते हैं गाइज, आपको इन दोनों को हैशटैग एंड कैप्शन गाइज आपको कैसे लिखने हैं कि गाइज देखो कैप्शन, जैसे गाइज आपके फ़ोन के फोन्स हो गए, ठीक है, फोन्स होते हैं ना गाइज आपके फ़ोन के, तो गाइज वो जो फोन्स होते हैं अगर आपने उसको चेंजिंग में लिखोगे ना गाइज, तो वो सिर्फ आपको दिखेगा, मतलब गाइज समझिए एकदम, मतलब ढंग से समझिए। देखिए गाइज, जैसे मेरी आपको ये वाली फोटोज देखिए, ठीक है, इसमें देखिए गाइज आपको इसमें मेरे फोन दिख रहे होंगे, इसमें गाइज मैंने अलग ही चीज, अलग ही मतलब दूसरे फोन्स यूज किए हैं, ठीक है, मैंने दूसरे फोन्स यूज किए हैं। तो गाइज आपको ना फोन्स भी अलग लिखना है, मतलब आपको गाइज मैं कीबोर्ड के बारे में भी अगर आप मुझे कमेंट करके बता देना कैसे फोन्स चेंज करके, मतलब चेंज कैसे करते हैं दूसरे फोन्स में, कैसे अपने कैप्शन लिखे, तो गाइज मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज आप सभी को ना कैप्शन भी लिखना है गाइज, क्या होता है लोग ना जब आपकी फोटोज को देखते हैं ना, कैप्शन पढ़ते कहते हैं यार कैप्शन क्या लिखा है, तो वो सोचते हैं कि हाँ यार इस फोटो को सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि इस फोटो को सेव कर लेंगे तो बाद में हमें ध्यान आ जाएगा कि हमें भी कैप्शन चेंज करना। तो गाइज ये आपको कैप्शन भी मतलब थोड़ा अलग अलग फोन्स में लिखना है, ठीक है गाइज, तो इसका भी ध्यान रखना। एंड गाइज जो आपको सेकेंड चीज जो है वो हैशटैग है कैप्शन के साथ ही जो है हैशटैग गाइज, आपको उस हैशटैग को आपको 30 हैशटैग मिलते हैं, आप उसमें यूज़ कर सकते हो, 30 हैशटैग यूज़ कर सकते हो। तो गाइज बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मैं 30 हैशटैग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके बिल्कुल वहाँ से कॉपी कर लेना, एंड गाइज कॉपी करने के बाद अपने फोटो में पेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर जल्दी आप उस हैशटैग को जैसे यूज़ करोगे ना, आपकी फोटो से 15-20 लाइक जस्ट 15-20 सेकंड में आ ही जाएंगे। अगर गाइज अभी यूज़ करके देख लेना बेसिक से, गाइज मैं भी अपनी फोटोज़ में यूज़ करता रहता हूँ, तो गाइज आप भी कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके कॉपी करके पेस्ट कर लेना, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारे ये है गाइज की, जैसे गाइज आप अगर गाइज जैसे आपको फोटोज जब क्लिक करते हो ना गाइज और एडिट कर लेते हो, तो गाइज आपसे भी वो करना है क्या है, मतलब आपको एक दिन में कम से कम गाइज 5-6 फोटो क्लिक कर लेनी है, ठीक है, एक दिन में, एंड गाइज उसको अच्छे से एडिटिंग कर लेनी है। एंड गाइज आपको
फोटोज को रेगुलर अपलोड करनी है। फोटोज को रेगुलर क्यों अपलोड करनी है गाइस, मैं इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। गाइस देखिए, जब आप अगर जैसे आप अगर इंस्टाग्राम में एक फोटो को अपलोड करते हो ना एंड नेक्स्ट डे फिर करते हो, तो गाइस इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कहता है कि यार ये बंदा मेरे साइट पर बहुत अवेलेबल है एंड गाइस बहुत टाइम देता है ये मेरे उस पर मेरे ऐप पे बहुत टाइम देता है, तो मैं इसकी फोटोज़ को पॉपुलर करने की सोचता हूँ, मतलब मैं करता हूँ इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। गाइज अगर आपको पता ना हो, अगर यकीन ना हो, तो गाइज आप अपनी फोटोज़ को देखना, आप कुछ दिन अपलोड करो एंड गाइज अपनी फोटो को देखना कि मतलब फोटो को देखना कि कौन सी फोटो, जैसे आप फोटो डालोगे ना रेगुलर, तो गाइज आपको हर फोटोज़ पे ना अपनी एक अलग ही रीच दिखेगी, मतलब एक एक स्टेप बढ़ बढ़ के रीच दिखेगी हर फोटोज़ में। जैसे गाइज एक फोटो में अगर जैसे गाइज 250 रीच आई, तो गाइज अगली फोटोज़ में आपको 255 इतनी मतलब बड़ बड़ के रीच मिलेगी हर फोटो में आपको, अगर आप रेगुलर अपलोड करते हो। गाइज मैं आप सभी को यूं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि गाइज आप रोज मतलब एवरीडे एक दिन छोड़ के या एक दिन छोड़ के भी आप फोटो डाल सकते हो, आपके ऊपर है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप भाई रेगुलर डाल सकते हो एंड गाइज, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन भी डालोगे तो कोई बात नहीं है। एंड गाइज एक दिन छोड़ के भी अगर आपके पास टाइम नहीं, तो गाइज हफ्ते में आप सभी को 3 फोटोज तो डालनी कैसे भी करके। अगर आप 3 फोटोज डालते हो तो गाइस इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी फोटोज को देखेगा, तो गाइस उसको पॉपुलर करेगा, ट्रेंडिंग में लाएगा आपकी फोटोज को, तो गाइस आपकी फोटो वायरल होने का काफी चांस बन जाता है यहाँ से। एंड गाइस उसके बाद जो है गाइस हमारा फोर्थ स्टेप जो कि गाइस आप सभी की स्टोरी के ऊपर आता है। गाइस जो स्टोरी होती है ना, मतलब गाइस ये ना स्टोरी आपकी काफी लोग देखते हैं, वो क्यों देखते हैं, इंस्टाग्राम को एल्गोरिथम उसे इसलिए शेयर करता है क्योंकि गाइस आपके जो हाईएस्ट व्यूज होते हैं आपकी स्टोरी में उसको ज्यादा पॉपुलर करता है। क्यों करता है? क्योंकि गाइस अगर आपके व्यूज के हिसाब से जैसे आपके 500 फॉलोवर्स है, तो गाइस जरूरी नहीं है कि आपके 400 व्यूज आएंगे स्टोरी में, ज्यादा जरूरी नहीं है कि गाइस मतलब जिसके गाइस लाखों फॉलोवर्स भी होते हैं उनके 50-60 हज़ार ज्यादा से ज्यादा इतने ही आते हैं स्टोरी व्यूज। ठीक है गाइस, तो गाइस इसके टेंशन मत लेना कि अगर स्टोरीज पर व्यूज नहीं आते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। एंड गाइस मैं आप सभी को बताऊं स्टोरी से आपको क्या करना है। गाइस देखिए, आपको ना एवरीडे कुछ भी, कोई जरूरत नहीं आपको कोई फोटो एडिटिंग की स्टोरी डालने, कुछ भी डालना है गाइस, मतलब आपको मीम्स हो गए, कुछ भी जोक्स वोक्स कुछ भी आपको स्टोरी डालना है, 3 या 4 स्टोरी रोज डालनी है। जैसे गाइस एक आपने सुबह डाल दी, एक दोपहर के टाइम डाल दी, एक शाम के टाइम, एक रात के टाइम गाइस जो लास्ट स्टोरी जो भी होगी ना गाइस आपके दिमाग में, जो भी आपने सोची कि अब इसके बाद मैं स्टोरी नहीं लगाऊंगा, तो गाइस उसमें आप सभी को क्या लगाना है, यस नो, मतलब जैसे गाइस जिसको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ये लगाना है। जैसे गाइस अगर आपको इसमें वो मिलेंगे ना, रीच मिलेगी, तो गाइस इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सोचेगा कि इस बंदे के मतलब इसमें यार कुछ वो मतलब रीच आ रही है ज़्यादा, ही लोग इसको देख रहे हैं एंड इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसको और पॉपुलर करने की सोचता हूँ, तो उसको गाइज वो और पॉपुलर करता है। तो गाइज यही है कि गाइज अगर आप स्टोरी में अगर गाइज आप लास्ट में अगर ये लगाते हो एंड गाइज रोज स्टोरी लगाते हो गाइज, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब और वो कर देगा, पॉपुलर टाइप करने का सोचेगा गाइज, आपकी आपकी फोटोज आपकी स्टोरीज ट्रेंडिंग में आने की सोचेगी गाइज, आपको वहाँ तक लाने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो गाइज आप सभी को मैं बस यही स्टेप थी जो मैं गाइज रोज फॉलो करता हूँ एंड गाइज अगर अभी तक आप सभी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो गाइज आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मेरी हर फोटोज पे अलग रीच आ रही है, मेरी स्टोरीज व्यूज सही आते हैं गाइज, मेरे मतलब स्टोरीज पे मतलब इंक्रीज सब कुछ सही आते हैं बिल्कुल मस्त। मैं गाइज आप सभी के साथ कोई भी फेक ट्रिक यार यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि यार आप मेरी फैमिली हो, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं कभी कहीं कोई गलत वो नहीं देना चाहता गाइज, ठीक है। तो गाइज कोई वो नहीं है, अगर आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो यार वीडियो को लाइक कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइज अगर आपको कुछ भी जरूर सीखने को मिला है ना, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि क्योंकि यार आपके एक सब्सक्राइब से यार मेरा मतलब हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी थोड़ी और, तो आप एक सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस कीबोर्ड के ऊपर अगर वीडियो बनानी है तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए आपके सभी के लिए वीडियो लाऊंगा। तो गाइस मेरे कमेंट करके बताना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना मत जाना, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।